स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। चिलचिलाती धूप के बीच सहरसा डीआईजी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे इन तीन बहनों को देखिए। ये तीन लड़कियां डीआईजी साहब से न्याय की गुहार लगाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। दरअसल सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के हरिपुर में हुई हत्या के केस में इनके पिता मोहम्मद उस्मान को हत्या के आरोपी बताया गया था, जो अभी भी जेल में बंद है। ऐसे में मोहम्मद उस्मान के घरों पर पुलिस ने कुर्की जब्ती भी की थी, जिसके बाद परिवार के सभी सदस्य घर से बेघर हो चुके हैं और अब उनके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। जब वे अपने घर में प्रवेश करने जाते हैं तो दूसरे पक्ष के लोग उसे वहां नहीं रहने देते। ऐसे में डीआईजी के कार्यालय के समक्ष इन तीनों लड़कियों अविना प्रवीण, चांदनी और क्विलकिस रानी ने भूख हड़ताल करने का फैसला लिया और चिलचिलाती धूप के बीच कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गई और कह रही है कि डीआईजी साहब मुझे इंसाफ दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपने पिता को जेल से रिहा करा सकूं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सिंघन नाम से चर्चित कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करते हैं और इन तीनों लड़कियों को इंसाफ मिल भी पाता है या नहीं। हमारा पापा को जेल में फंसा, जेल से दे दिया निर्दोष। हमारा पापा मारने के टाइम नहीं था, कुर्की जब्ती भी हो गया तब भी पर घर में रहने के लिए नहीं था। 3-4 साल से हम तीनों बहन भटक रहे हैं। जो बूढ़ी मम्मी है उन्हें झलकता है, तबीयत खराब है सर। कब हत्या हुई थी, कब आपके पिताजी जेल गए थे? 2019 में हुआ था सर। आप पिताजी आपके कब जेल गए थे? 2019 में गया है सर। तो अभी तक जेल से बाहर नहीं निकले? जेल से नहीं बाहर निकला है सर। हम लोग गरीब हैं, कैसे निकालेंगे पैसा का? गरीब है, बोन दुखरा करते हैं, खाते हैं सर। आपके घर की भी कुर्की जब्ती हुई? हाँ, कुर्की जब्ती हो गया तब भी पर घर में रहने के लिए नहीं देता। घर में रहते हैं तो जोटकी पकड़ के मारपीट करके तीनों बार तो बूढ़ी माँ को निकाल देता है। कौन मारपीट करते हैं? इब्रान साहिद, मोसाहिद, सैयद सब झक्का सब मिल करके निकाल देते। ये लोग कौन है? ये लोग सब एंटी है सर। कहाँ घर हुआ? हरिपुर थाना राजा सनवर साहब। यहाँ पे आप लोग क्या करने के लिए बैठे हुए? भूख हड़ताल करने के लिए आए कि हमको अथी रहा मिल जाए, अथी फैसला हो जाए कि हम अपना घर में चले जाएंगे। क्या डीआईजी साहब से उम्मीद लगती है आपको कि वो न्याय दिलाएंगे आपको? डीआईजी साहब से दिलाएगा ना सर, दिला देगा सर। अभी वहीं कार्यालय के सामने बैठे? हाँ, वही के सामने बैठे। क्या नाम हुआ आपका? अविना परवीन। तीनों बहन? आप तीनों बहन है आप? हाँ, तीनों बहन है।